हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप जीन स्वेटर जर्सी में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन जैकेट में, शॉल में, स्टॉल में, वूलन कैप में, स्कार्फ में भी डाल सकते हैं और बच्चों के भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। बैक साइड से डिज़ाइन इस तरह से रहेगा। देखिए बैक साइड से भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसको भी एक डिज़ाइन बनाकर डाल सकते हैं जैसा ये बैक साइड में है। देखिएगा इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें तीन तीन के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तीन फंदे, तीन फंदे, तीन फंदे, तीन फंदे और दोनों साइड में एक एक फंदा एक्स्ट्रा। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खुल जाता है। खुलने वाला डिज़ाइन है देखिएगा, और सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनकर आता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट रो यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा आगे लेकर आएंगे। एक फंदा हमें उल्टा बनाना है। एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को आगे ही रखेंगे और फिर से एक फंदा उल्टा बनाना है। इस तरह से बनाते हुए हम अपने पूरे फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद एक फंदे को स्लिप करेंगे और फिर से अगले वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए धागे को हमें अपनी साइड ही रखना है और इस तरह बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर दूसरा फंदा उल्टा बनाया, फिर से स्लिप किया, फिर से दूसरा फंदा उल्टा बनाया। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी फर्स्ट रो बना लेंगे। सेकेंड रो देखिएगा, हमारी रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रो में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इसके बाद जो फंदा हमने बिना बुना रखा था राइट साइड में, उस फंदे में हमें एक फंदे के तीन फंदे बनाने हैं। देखिए जो सीधा फंदा है जो हमने बिना बुना उतारा था, उस फंदे में उल्टी साइड को बनाते हुए हम तीन फंदे बनाएंगे। एक लपेटा दिया, दो, एक बार फिर से बुना, तीन। देखिए तीन फंदे हो गए। जो हमने पिछली बार फंदा बोला था उसको हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। एक फंदा स्लिप करना है और स्लिप किया गया फंदे में से तीन फंदे बनाने हैं, एक फंदे में से तीन। उसके बाद फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे। एक लपेटा दिया, दो, एक बार फिर से बनाया, तीन। फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे। उल्टा बनाते हुए हमें अपना जो धागा है उसको इस बार भी अपनी साइड ही रखना है, बैक साइड में। एक फंदा स्लिप किया, एक फंदे में से तीन फंदे बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन की सेकंड रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी रॉन्ग साइड की रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। थर्ड रो हमारी राइट साइड से पहले फंदे को देखिएगा स्लिप करेंगे हम ऐसे ही, उसके बाद एक फंदे को जो हमने बिना बुना उतारा था उसको सीधा बुन लेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे और जो ये हमने तीन फंदे बनाए थे, इन्हें तीन फंदों को एक सिलाई में लेते हुए हम तीन फंदों का एक कर देंगे उल्टा बनाते हुए। देखिएगा इस तरह से उल्टा बनाते हुए तीन फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, तीन फंदों का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, तीन फंदों का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदों का एक करेंगे। इस तरह से करते हुए हम अपने डिज़ाइन की थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान सा डिज़ाइन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। धागा आगे तीन फंदों का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, तीन फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा,
फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड से होगी। फोर्थ रो में हमें सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर अपनी फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे हमें उल्टा उल्टा बना लेने हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए चार रो का हमारा डिज़ाइन है, चार रो में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, उसके बाद फिर से फर्स्ट रो से हम यहाँ शुरू करेंगे और ऐसा ही डिज़ाइन हमारा बनता चला जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल और बनाने में भी कितना ज़्यादा आसान है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बना लीजिए, उसमें ये बहुत प्यारा लगेगा और खुलने वाला डिज़ाइन है, अच्छे से खुल जाता है, टाइट नहीं रहता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में एक बार ट्राई ज़रूर करें और बैक साइड से भी ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इस डिज़ाइन को आप जो बैक साइड में है इसको राइट साइड में भी रख सकते हैं, उसमें भी ये बहुत प्यारा लगेगा। टू इन वन डिज़ाइन है, दोनों साइड से आप इसको बना सकते हैं, पहन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पूरा देखें। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।